चंडीगढ़ कांग्रेस ने मंगलवार को कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी ते ईडी की कार्रवाई के खिलाफ शांतमई सत्याग्रह 35 स्थित कांग्रेस भवन के कोल किया, जिस दे विच चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष एच एस लक्की भी मौजूद रहे। इस मौके एच एस लक्की ने कहा है कि राजनीति प्रतिशोध के चलते सरकार सोनिया गांधी से यह कार्रवाई कर पा रही है। जैसा गांधी जी ने कहा था कि जो काम हिंसा से, लड़ाई से, झगड़े से, प्रदर्शन से नहीं हो सकता, शांतिपूर्वक सत्याग्रह बैठने से हो सके। वो अलग बात है कि ये देश के अंदर जो मोदी सरकार बैठी है, जो गूंगी बहरी सरकार बैठी है, जिसे लोगों की आवाज़ आज सुनाई नहीं दे रही, और जब विपक्ष उस आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहा, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश ये सरकार कर रही है, उस सरकार को जगाने के लिए, उस सरकार को नींद से उठाने के लिए आज चंडीगढ़ कांग्रेस ने एक ध्येय किया है। एक शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह पर हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं। ये भाजपा की अलोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ, भाजपा की जो मैं समझता हूँ एक दबाने की कोशिश विपक्ष को, मिटाने की कोशिश विपक्ष को, उसके खिलाफ ये आवाज़ हमने आज उठाई है। इसलिए हम सारे आज यहाँ शांतिपूर्वक सत्याग्रह पर बैठे हैं। विपक्ष जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ना दबेगी, ना डरेगी, ना हटेगी। जो अपोजिशन को, कांग्रेस पार्टी को दबाने की कोशिश करेंगे, जो तो कांग्रेस पार्टी कामयाब होकर आगे बढ़ेगी। और आज जो कांग्रेस पार्टी है, ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी पार्टी है। इस पार्टी का अपना एक इतिहास है, इन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। जब जब भी देश मुश्किल में आया, कांग्रेस ने हमेशा ही देश का साथ दिया। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए लगी हुई है, ये उनकी एक बहुत बड़ी भूल है। कांग्रेस कभी ना ख़त्म नहीं हो सकती है, कांग्रेस की जड़ें बहुत डूंगी हैं। और जो 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 हमारे जो लीडर हैं, सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को बुलाते रहेंगे, क्यों तो हमारी पार्टी सड़कों के ऊपर संघर्ष करती रहेगी। सदन उनकी है, सड़कें हमारी हैं, तो हम संघर्ष करते रहेंगे अपने लीडर की फेवर में, और भाजपा के जो सफर है उनको पूरा नहीं होने देंगे। इसी तरह ही दूजे पास चंडीगढ़ के सैक्टर 16 स्टेडियम के कोल ईडी और भाजपा के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। इस दौरान यूथ कांग्रेस का कहना सी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का दफ्तर पूरी तरह भाजपा का दफ्तर बन चुका है। भाजपा आगुआ के हाथ दे विच ईडी दफ्तर की बागडोर है। ताकि लोग बोलते हैं कि सोनिया गांधी डर की, ना सोनिया गांधी जी आज डरे हैं ना कल डरे हैं। एक इंदिरा गांधी जी की बहू है, एक इंदिरा गांधी जी का पोता। आपको ये बात बतानी चाहते हैं, जो दिल्ली में लोग उनके बोलते हैं ना कि ये मैडम डर गए, मैडम तो आज भी ईडी के दफ्तर जा रहे हैं। पर बात ये है कि जो लोगों ने किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई, स्मृति ईरानी की बेटी ने गोवा में क्या किया, जिन लोगों ने नारे लगाते हैं गोली मारो सालों को, उन लोगों को सजा हुई अभी तक, उनको फांसी हुई, तो ये क्या मतलब क्या चीज़ है? उन लोगों को भी सजा होनी चाहिए, सब चीज़ें बराबर होनी चाहिए। हमारी डिमांड ये, आगे आपको बताएंगे कुछ बड़ा प्रदर्शन करेंगे और कोई नेशनल हाईवे या कुछ बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ईडी ऑफिस पूर्ण रूप से आज भगवा रूप धारण कर चुका है। इसी को लेकर आज हमने यहाँ एक विरोध प्रदर्शन, आज हमने लोगों के सामने ये बताना था कि ये ईडी ऑफिस नहीं बल्कि ईडी ऑफिस हम बीजेपी ऑफिस बन चुका है। जिस प्रकार से लगातार विपक्ष के नेताओं को ईडी, सीबीआई और सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको बदनाम करने की गंदी जो साजिश रची जा रही है, उस साजिश का हम पूर्ण रूप से युवा कांग्रेस उसका विरोध करती है। आज हमने बीजेपी के नाम के ऊपर काली पोस्टर, उनको ये सताना चाहा, चेताना चाहा कि लोग उनकी ये करतूत, उनकी ये गंदी हरकत, उनकी सोच लोगों के अब सामने आ चुकी है। सेंट्रल एजेंसी जिनका दुरुपयोग इस लोकतंत्र के अंदर नहीं होना चाहिए, इस सरकार में सभी सेंट्रल एजेंसी का पूर्ण रूप से जो उनका कंट्रोल है वो बीजेपी के हेडक्वार्टर के अंदर है, जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। उते ही दूजे पासे भी दस दिए कि प्रदर्शनकारियों नूं रोकण दे लई चंडीगढ़ पुलिस भी पूरी तरह दे नाल तैयार नजर आई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों नूं पुलिस फड़ के थाने ते लै गई। दस दिए कि इस तों पहलां भी यूथ कांग्रेस ने राहुल गांधी ते ईडी दी कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया सी। इत्थे भी दसना बनदा है कि 5 दिन पहलां भी सोनिया गांधी तों ईडी दे वल्लों पुछगिछ करन दे विरोध विच चंडीगढ़ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया सी ते कांग्रेसी सैक्टर 18 ईडी दफ्तर दे बाहर धरना प्रदर्शन करना चाहते सन। जगबाणी टीवी दे लई चंडीगढ़ तों कुलदीप कुमार दी रिपोर्ट।